ज्वाइन माई क्लास माई कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवेन एंड द मंथली फीस इज ओनली रुपीज़ वन थाउजेंड सो प्लीज लाइक एडवांस मैथमेटिकल रिसर्च बाई एमरी तोसिफ इब्राहिम थैंक यू वेरी मच हाँ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम एज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोस ऑक्सीटर लोग देखेंगे कि आखिर जो है वो सिंपल पेंडुलम होता क्या है ठीक है और वो कैसे सिंपल हारमोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है सिंपल पेंडुलम uh, और क्या कंडीशन है जिसमें सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है ठीक है तो लेट्स सी व्हाट इज सिंपल पेंडुलम सो हेयर आई हैविन गिवेन अ सिंपल पेंडुलम अब देखिए ये सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है ठीक है तो um, ऑक्सीलेशन में हम लोग किसी एक पार्टिकुलर इंस्टांस ऑफ टाइम को कंसिडर करते हैं तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब ये राइट साइड पर गया है पॉइंट पर तो लेट्स एज्यूम के हाँ ये पॉइंट पे हम लोग एक जो है वो इंस्टांस कंसिडर करते हैं जस्ट समझिए कि एक हम लोगों ने तस्वीर ले लिया एक फोटोग्राफ ले लिया एक्सट्रीम राइट right पर एंड यस दिस पॉइंट तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया जो जो राइट right मोस्ट पॉइंट था वहाँ पे हम लोगों ने एक इंस्टांस कंसीडर किया इस पेंडुलम का एट अ पार्टिकुलर टाइम टी ये किसी भी टाइम टी पर हो सकता है आप कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं ये एक जनरल टाइम है ठीक है ये जनरल टाइम है ये किसी भी टाइम पे आप कंसीडर कर सकते हैं टी टी इज़ एनी जनरल टाइम अब हम लोग ये देखते हैं कि uh, ये इसका पात्र रहा है दिस इज़ कॉल्ड इज अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पेंडुलम दिस इज़ कॉल्ड एज अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पेंडुलम यही ट्रेजेक्ट्री को वो फॉलो कर रहा है देखिए राइट साइड में जो ये ऑक्सीलेट कर रहा है इट हैज फॉलोड दिस वेरी पार्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री और अब राइट साइड की तरफ जा रहा था है ना यहाँ इस पोजिशन पर ये वाले नहीं हाँ ये यह वाला पोजिशन है किसी भी टाइम टी पर ठीक है तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ वलोसिटी है ये ग्रीन लाइन को <coughs> <coughs> तो ग्रीन लाइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ वलॉसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही ग्रीन लाइन जो है वो एक्सीशन को भी रिप्रेजेंट करेगा ओके okay? और अब हम लोग मानते हैं कि इस पेंडुलम का जो मीन पोजिशन है वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स है तो मीन पोजिशन से ये कितना हो रहा है ये इसका हो रहा है तो वेलोसिटी अगर हम लोग डिफाइन करें पेंडुलम की तो क्या होगी इट विल बी डी ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ टी किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर जब उसकी वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं तो दैट विल बी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स ओके ये तो कैलकुलस है सबको पता है और अगर नहीं पता है तो मेरे का क्लास जो है वो जरूर अटेंड कीजिए ओके सो okay, so ये ट्रेजेक्ट्री हो गया एक्स ठीक है अब एक्सेलरेशन भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा बिकॉज हम लोग को पता है कि जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइम टी कंसीडर कर रहे हैं और वहां से थोड़ा सा टाइम टी को चेंज कर देते हैं डी में तो वेलोसिटी भी क्या होगा डी ऑ वी से चेंज कर जाएगा और एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिसप्लेसमेंट एक्स सो दैट इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन दी स्क्वायर ठीक है अब हम लोग मान लेते हैं कि जो पेंडुलम का लेंथ है वो एल है ठीक है तो जो यहां पर लेंथ होगा वही यहां पर भी लेंथ होगा अब हम लोग मान लेते हैं कि जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफी स्मॉल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफी स्मॉल है और ये जो है वो थीटा है ओके okay? अब ये बात याद रखना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इट विल रिमेन सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और ये जो है वो टेंशन है किसका टेंशन है स्ट्रिंग का चूंकि पेंडुलम जो है वो स्ट्रिंग से लगा हुआ है तो डेट विल बी तो डैट विल बी माई ये दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन ये मेरा टेंशन टी है ठीक है अब हम लोग देखेंगे एफ बी डी हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के, हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फोर्स जो है काम कर रहा है पेंडुलम में। तो पहला जो फोर्स काम कर रहा है अभी हम लोग ने देखा जो पहला फोर्स पेंडुलम पे काम कर रहा है वो है मेरा टेंशन टी पहला फोर्स है वो टेंशन टी हो गया दूसरा फोर्स जो मेरा काम कर रहा है वो ये वाइट वाला है ठीक है वाइट वाला डाउनवर्ड और सबको पता है कि ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड काम करता है तो इट मस्ट बी माय एम जी मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब हम लोग कंसीडर करते हैं एक लाइन या एम को हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो रोटेट कर गया एम क्या हुआ वो रोटेट कर गया बाई एन एंगल थीटा और वहाँ से हम लोग जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे विच इज विच इज़ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी वायर ऑफ द पेंडुल अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वाइट वाला कंपोनेंट है ये क्या इसका क्या फोर्स होगा सो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस तो एम जो हो जाएगा वो डिकम्पोज हो जाएगा अलोंग अलोंग दी स्ट्रिंग लाइन सो डैट विल बिकम एम जी टाइम्स कॉसाइन थीटा हमको पता है कि जिसके साथ थीटा एसोसिएटेड रहेगा तो अगर हम लोग एम जी फोर्स को रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग दिस लाइन सो इट विल बिकम एम जी टाइम्स कॉसाइन ऑफ थीटा इतना तो सबको पता है अब अगर हम लोग दूसरा फोर्स कंसिडर करें अ फोर्स डैट इज टेंजेंशियल टू द पाथ टू द्रेजेक्ट्री पाथ ये जो ट्रेजेक्ट्री है पेंडुलम का उसके टेंजेंशियल है ये फोर्स ठीक है ये फोर्स टेंजेंशियल है लेकिन ये फोर्स जो है क्या होगा कोई बता सकता है ये फोर्स क्या होगा अगर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर लगाएंगे तो एम जो है मेरा रिजोल्व हो जाएगा एलोंग दिस लाइन इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम लोग एम को लिखते हैं तो डैट शुड बी इक्वल टू एम जी टाइम्स साइन ऑफ थीटा ये हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है और अगर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अपकमिंग क्लासेस में आपको बता सकूँ कि

ओके okay, अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन मेरा यहाँ पर आ रहा है क्या आ रहा है एक्सेलेशन इज एक डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर तो ये जो एक्सेलरेशन है वो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड डैट एक्सेलरेशन अगर मैं ये ग्रीन लाइन को पॉजिटिव मान लूँ अगर मैं ग्रीन लाइन को पॉजिटिव मान लेता हूँ तो हम लोग क्या कह लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा जो एक्सेलरेशन मेरा मेरा जो 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 मास मास टाइम्स टाइम्स होगा विच इज इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन डेट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी टाइम्स साइन थीटा अब यहां पर यह जानना है कि माइनस ऑफ एम जी टाइम्स साइन थीटा क्यों लग रहा है चूंकि हम लोगों ने ग्रीन लाइन जो एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव माना है ठीक है जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है जिधर पेंडुलम जा रहा है उसको पॉजिटिव माना है तो कोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज एम जी टाइम्स साइन थीटा वो निगेटिव हो जाएगा बिकॉज दैट इज जस्ट अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन और वलॉसिटी सो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मेरा पॉजिटिव है और एम जी टाइम साइन थीटा निगेटिव है तो अगर ये मैं मान के चलता हूँ कन्वेंशन तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स यहाँ पर जो टोटल सॉरी ये जो टोटल मास टाइम्स टोटल फोर्स जो है जो व्हाइट लाइन से यहां पर रिप्रेजेंट होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा ये होना चाहिए क्या होना चाहिए माइनस ऑफ एमजी टाइम थीटा क्यों माइनस साइन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको कन्वेंशनली ही इसको निगेटिव किया है एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव होगा तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल हम लोग यहाँ पे ये यह कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो हम लोग जब भी लगाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो डैट वी अप्लाई ऑन टू द पार्टिकुलर लाइन यहां पे वो लाइन देखिए ये वाला है वाइट वाला और ग्रीन वाला लाइन ठीक है तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि यहां पे टोटल जो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस तो टोटल फोर्स जो है इस लाइन पे कौन सा काम कर रहा है दैट इज ओनली एम जी टाइम्स साइन थीटा वो भी निगेटिव डायरेक्शन में तो वो हम लोगों ने लिख दिया उसी तरह से अब हम लोग कह देंगे कि टेंशन अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इलांग दिस डायरेक्शन स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एम जी टाइम्स कॉ थीटा क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन द वर्टिकल डायरेक्शन ये जो स्ट्रिंग का डायरेक्शन है वहाँ पे जीरो जीरो है है हो रहा ना हा तो टेंशन मेरा कितना होना चाहिए एम जी टाइम्स साइन ऑफ थे तो अभी टेंशन की शायद हम लोग को जरूरत नहीं पड़े लेकिन हम लोग यहां पे देख सकते हैं मास और मास जो है कैंसिल आउट हो जाएगा एंड डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्स बीवल टू माइनस ऑफ जी टाइम साइन थीटा अब हम लोगों ने माना था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए थीटा जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा तो साइन ऑफ थीटा को हम लोग थीटा से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एंड थीटा मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यहां पर एक्स है एंड रेडियस मेरा क्या है length है लेंथ तो लोग कह सकते हैं थीटा मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई लेंथ यहां पे चूंकि एस एच एम होने के लिए थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल और हम लोग अभी देखेंगे साइन फंक्शन साइन फंक्शन में ये देखते हैं कि अगर थीटा स्मॉल होगा तो साइन

ठीक है ये हम लोगों ने देखिए अगर आपको डेरिवेशन ये नहीं समझ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हम लोग जो है ये इक्वेशन भी डिराइव कर सकें आपके लिए और, और एलेबोरेट कर सकें और अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कॉमेंट डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्स ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स ये तब होता है जब एक बॉडी जो है वह सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो येलो बॉल है यह सिंपल हारमोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और यह मेन पोजिशन से किस डिसमेंट पर है एक्स पर है एक्स डिसमेंट पर है और हम लोग ने मान लिया कि इसकी एंगर वोसिटी ओमेगा है ठीक है तो अगर ये इसकी मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है किसी भी टाइम टी पर तो ये इक्वेशन वैलिड होगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक है और ये बॉडी क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इसलिए कर रहा है चूंकि थीटा यहां पर बहुत ही छोटा है एंड फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा दिस बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम

टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एलापोनजी और यही टाइम पीरियड होता है यही टाइम पीरियड होता है किसके लिए सिंपल अगर एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पेंडुलम अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो दिस इज द टाइम पीरियड आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा अच्छा दूसरा इसका प्रूफ भी मैं देना चाहता हूं कि अगर यही सेम चीज़ प्रूफ किया जा सकता है अगर आपको पता है मूवमेंट ऑफ़ किसी भी जनरल बॉडी के लिए किसी भी फिजिकल पेंडुलम के लिए यानी जनरल बॉडी है वो एस एच एम एग्जीक्यूट कर रहा है जिसको हम लोग फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है मूवमेंट ऑफ़ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सेलेशन इज़ इक्वल टू टोटल टॉर्क वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड ये टाइम पीरियड टू पाई स्क्वायरुट ऑफ एलापॉन्ची अगर आपको वो चीज़ जानना है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हम लोग जो है फर्दर आपके लिए ये बना सकें इस तरह का कॉन्टेंट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग थैंक यू वेरी मच यस वन इंफॉर्मेशन दैट हम लोग पूरा कोर्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं अगर आप आखिरी तक आ गए तो इसका मतलब है कि आपको ये पसंद आया है तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा कोर्स जो है लॉन्च कर रहे हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है आपका सपोर्ट तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हम लोग फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स का जनरल स्टडीज का कंप्लीट कोर्स इस तरह का लॉन्च कर सकें थैंक यू वेरी मच ग्रीन लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफिस <laughs> Excuse me. Join my class, my contact number is given and the monthly fees is only rupees 1000. So please like Advanced Mathematical Research by Md Tosef Ibrahim. Thank you very much.